रिसेंटली एक रिपोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में थी, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट। सवाल है ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों और किसने बनाई? अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिन्होंने इसे बनाया है, उसमें एक नाम आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, फिर दूसरा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और तीसरा है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में जॉइंटली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बनाया है। आप सोच सकते हैं कि तीनों ने बनाया तो इंपॉर्टेंट तो होगा। इंपॉर्टेंट इस नजरिए से भी है कि अगर हम UNFCCC के मीटिंग्स देखें, जो कॉप वाली मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लास्ट टाइम जो 2021 में COP26 हुई थी, वहां पर हमने बात पढ़ी थी कि एक ब्रेक थ्रू एजेंडा निकल कर आया है। उस ब्रेक थ्रू एजेंडा में बात हुई थी कि कुछ एक्शनेबल पॉलिसीज बनाई जाए, कुछ एक्शनेबल प्लान बनाए जाए। एक्शनेबल प्लान का मतलब होता है कि आप सारी गवर्नमेंट्स मिलकर एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट कर पाएगी, वो एक प्रैक्टिकल प्लान होता है। और ऐसा एक्शन प्लान बनाया गया कि कुछ सेक्टर्स पर हम स्पेसिफिकली काम करेंगे। कौन से सेक्टर्स थे वो? पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर। इन पांच सेक्टर्स की स्पेसिफिकली बात की गई। और ये जो ब्रेक थ्रू एजेंडा है, इसी का इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन्हीं की रिपोर्ट है ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाई है। अब जो रीसेंट रिपोर्ट निकल कर आई वो स्पेसिफिकली बात करती है पावर सेक्टर के बारे में। इनका कहना है कि जो आपके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं, जो कार्बन इमिशंस हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रोल पावर सेक्टर का है। इट इज समवेयर अराउंड 23%। पॉजिटिव बात इन्होंने ये कही कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पर हम ट्रांजिशन देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हो टूवर्ड्स अ क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये अच्छी बात है। बट एक निगेटिव बात भी है इसके अंदर, वो ये कि हर कंट्री ने अपनी तरफ से वॉलंटरीली कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन तय किए हैं, जिन्हें हम NDCs कहते हैं। और ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली कहती है कि ये जो NDCs हैं वो हमारे ग्लोबल टारगेट के हिसाब से ठीक नहीं है। जितना ग्लोबल टारगेट है, NDC उससे बहुत नीचे चल रहे हैं। तो ये बात इन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करी। साथ साथ इस रिपोर्ट ने सेक्टर वाइज भी कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। जैसे कि पावर सेक्टर पर इनका कहना है कि आप थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करो, प्रायोरिटाइज करो उस चीज को। जो भी पावर सेक्टर में आपके स्टोरेज यूनिट्स आप बना रहे हो, वहां पर अगर ठीक से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो चीजें बेहतर होगी, ट्रांजिशन आसान होगा। दूसरी चीज इन्होंने हाइड्रोजन को लेकर बोली। आजकल हाइड्रोजन काफी ज्यादा न्यूज में है, हाइड्रोजन के हम फ्यूल सेल्स बना रहे हैं, बैटरीज बना रहे हैं। ऐसे टाइम पर इस रिपोर्ट का कहना है कि हमें किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। अगर फ्रेमवर्क होगा तो जो भी हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रांसफर्स होने हैं, कंट्रीज के बीच में कई बार हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, जो स्टोरेज यूनिट्स बनाने हैं, उसके लिए चीजें आसान हो जाएगी। साथ साथ इनका क्लियर कहना था हाइड्रोजन को लेकर आप कुछ कंसेशनल फाइनेंस दो, कुछ सब्सिडी दो इंडस्ट्रीज को अलग तरीके से। तीसरी बात इन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर कही कि हमें जल्द से जल्द रोड ट्रांसपोर्ट का एक फिक्स टाइमलाइन तय करना होगा जिसमें हम जीरो एमिशन पे पहुंचे। बहुत सारे कंट्रीज ने अपना अपना टारगेट रखा हुआ है कि जीरो एमिशन हमें कब तक कंप्लीट करना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट पर इस पर काम करने की जरूरत है। चौथी चीज इन्होंने स्टील के बारे में कही, कहना है कि आइए बात करते हैं कि कैसा स्टील वाला जो सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज किया जा सके। डीकार्बोनाइज का मतलब होता है कि जो एमिशन, कार्बन एमिशन इस इंडस्ट्री से हो रहा है उसको कम किया जाए और हो सके तो उसे खत्म किया जाए। तो इस पर बात करने की, डिबेट करने की, डिस्कशन की बात हुई। पांचवी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा जो फूड सप्लाई है उसके लिए, लेकिन साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का मिथेन इमिशन से जो रिलेशन है हमें वो भी देखना होगा। बहुत सारा मिथेन का इमिशन, मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, वो इमिशन भी हमें कहीं ना कहीं कम करना है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के। अगर और कोई अपडेट आती है इसके बारे में तो फिर हम कभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।